एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइसेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन मेफाइटिस के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत छोटी सी मेडिसिन होती है, बहुत ही इफेक्टिव होती है, स्पेशली ऊपिंग कफ के लिए, जिसको हम कुकर खांसी या काली खांसी भी कहते हैं। बहुत छोटी सी ड्रग है, बहुत छोटे से सिम्टम्स होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें जानने के लिए। सिर्फ ये खांसी के लिए और हमारी आइज़ की कुछ प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। आज मैं आपको इसी के साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगी कि किस तरह के साइंस सिम्टम आपको प्रेजेंट हो, किस तरह की खांसी आपको प्रेजेंट हो तो आप ये दवा ले सकते हैं, किस पावर में ले सकते हैं, कितना रिपीट कर सकते हैं, कौन कौन इस दवा को ले सकता है, सब के बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मेफाइटिस के बारे में। मेफाइटिस का पूरा नाम मेफाइटिस प्यूटोरियस है। इसकी फैमिली या नेचुरल ऑर्डर है मस्टेलिडी, और इसको प्रूव किया था, होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर हियरिंग ने। इसको स्कंक के एनल ग्लैंड के सिक्रीशन से बनाया जाता है। स्कंक एक तरह का एनिमल होता है, तो मतलब ये एनिमल किंगडम की मेडिसिन है। ये एनिमल जो है यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा पाया जाता है, लाइक कैनेडा, US, यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। और ये इसका एनल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, इसको ये तभी पास करता है जब इसको कोई अप्रोच कर रहा होता है, इसमें किसी से खतरा होता है, तो उस टाइम पर ये सिक्रीशन जो है उसको पास करता है और वहाँ से निकल के भाग जाता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम है, ऊपिंग कफ की प्रॉब्लम है, कुकर खांसी की प्रॉब्लम है, उस केस में बहुत अच्छा काम करती है। स्पाज्मोडिक कफ है, अस्थमेटिक पैराजिज्म आते हैं आपको, एक्सहेल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इतना ज़्यादा वायलेंट कफ होता है कि ऐसे फील होता है कि जो सारे स्पेल्स आ रहे हैं कफ के, एक एक स्पेल के बाद ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ अब ख़त्म हो जाएगी, अब बिल्कुल भी बचने वाली नहीं है। इस तरह की फीलिंग आए तो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ इसके जो बच्चों को अगर ये कफ की प्रॉब्लम हो रही है, ऊपिंग कफ हो रहा है, तो बच्चों में इतना ज़्यादा सांस लेने में डिफ़िकल्टी आने लगती है, फेस जो है बिल्कुल ब्लू हो जाता है, नीला पड़ जाता है, ऐसे में बच्चों को उठा के बिठाना पड़ता है ताकि उनको सांस लिया जाए और उनको खांसी थोड़ा कम हो जाए। बहुत ही ज़्यादा वायलेट कफ देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें म्यूकस रेल्स बहुत बनती हैं, बहुत ज़्यादा अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में म्यूकस फील होता है। इसके पेशेंट जो होते हैं उनको इंटरनल हीट इतनी फील होती है कि उनको ठंडा ठंडा एकदम आइस वाटर से नहाने का मन करता है। ठंडे पानी से नहाएंगे तो उनको आराम फील होगा। एकदम ब्लू फेस हो रखा है, चेहरा नीला पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि ठंड लग रही है पेशेंट को, लेकिन वो कितना भी ठंडा वेदर हो उसको इंड्योर कर लेंगे, ठंडे ठंडे पानी से नहा लेंगे, उससे उनको आराम मिलेगा। ऐसे केसेस में मेफाइटिस बहुत ही अच्छा काम करती है। मेफाइटिस के बारे में फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही अच्छा न्यूमोनिक्स बताने वाली हूँ, जिसमें एक वर्ड में ही आप पूरी ड्रग को समझ सकते हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं बाकी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की। तो इसमें सडन कॉन्ट्रैक्शन आप ग्लॉटिस देखने को मिलता है, यानी लैरिंजिस देखने को मिलता है, स्पेशली जब पेशेंट जो है कुछ ड्रिंक कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। फूड जो होता है, खाना खा रहे होते हैं, वो रॉन्ग वे में चला जाता है, ईसोफेगस में जाने की जगह वो रेस्पिरेटरी ट्रैक पर चला जाता है, खाना फंस जाता है, इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। अस्थमेटिक कंडीशन होती है, ऐसा फील होता है कि सल्फर इनहेल कर रहे हैं, ऐसे केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हॉलो डीप कफ होता है, रॉनेस ऑफ चेस्ट फील होती है, ऐसा लगता है कि रॉ चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है, स्पेशली जो आपकी नीचे की पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, छूने पर भी दर्द होता है, और ये दर्द जब खांसी बहुत ज़्यादा आती है उस टाइम पर बढ़ जाता है। इसकी खांसी की एक और पिकुलरिटी होती है कि दिन के टाइम पे तो थोड़ा बहुत ही आएगा, दिन में पेशेंट बोलेंगे दिन में कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खांसी आता है, लेकिन रात के टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा खांसी आने लग जाती है, खांसी बहुत बढ़ जाती है और म्यूकस भी नहीं निकल पा रहा होता है। सुबह के टाइम तो लूज हो जाएगा म्यूकस, लेकिन रात के टाइम नहीं निकल पाता है, सूखी सी खांसी आती है और बहुत ज़्यादा स्पाज्मोडिक फीलिंग होती है, सफोकेशन फील होता है, एक्सहेल नहीं कर पाता पेशेंट। इसके अलावा
कई बार क्या होता है खांसते खांसते वोमिटिंग हो जाती है, जबकि खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, 7-8 घंटे हो गए खाना खाए, उसके बाद भी वोमिटिंग हो जाती है खांसते खांसते। साथ ही साथ इसके पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हॉर्सनेस रहती है, और जो ये ऊपिंग कफ की प्रॉब्लम है रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे केसेस में आप मेफाइटिस यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मेफाइटिस को हमेशा ही लोअर पोटेंसीज में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, बार बार इसको रिपीट करना होता है, इसलिए इसको स्मॉल पोटेंसीज में यूज़ किया जाता है, लाइक 3x 6x 6x 30, इन सब पावर्स में इसको यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आई सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं। आईज़ में अगर आपको पेन होता है, स्पेशली ओवर एक्सर्जन के बाद, कोई ओवर एक्सर्जन कर लिया उसके बाद आँखों में दर्द हो, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। आँखों में कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो, आँखों में हीट फील हो, चुभन हो, ऐसे लगे कि जैसे स्टाई या बिलोनी निकल रहा हो और आँखों में चुभ रहा हो, तो उस तरह के केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। साथ ही साथ अगर आपको विजन प्रॉब्लम है, ब्लर विजन हो जाता है, आपको कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करने में, डिस्टिंग्विश करने में दिक्कतें आती हैं, ऐसे केसेस में भी मेफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसके मेंटल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। इसके पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है हमेशा, बहुत सारी फैंसीज रहती हैं उसकी, इतनी ज़्यादा फैंटसीज रहती हैं कि वो ना तो अच्छे से सो पाएगा ना कोई वर्क कर पाएगा। इसके अलावा टॉकेटिव भी बहुत होता है, इतनी बातें करेगा जैसे फील होता है कि कोई ड्रिंक पिया हुआ बंदा बातें कर रहा हो। इस तरह के अगर सिम्टम्स मिल रहे हो, बात करने से खांसी बढ़ती हो, अगर पेशेंट जो है बात कर रहे हो, पढ़ाई करते हुए कुछ लोगों की आदत होती है कि तेज तेज बोल बोल के पढ़ते हैं, ऐसे में अगर खांसी बढ़ जाती हो, रात में खांसी बढ़ती हो और एक्सहेल करने में दिक्कतें आती हो, सांस अच्छे से नहीं आती हो, ठंडा चीज़ लेने से, ठंडे से नहाने से आपको आराम मिलता हो, तो इस केस में आप मेफाइटिस को बिना सोचे समझे यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। डोजेस की बात करें तो इसको आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, लोअर पोटेंसीज में यूज किया जाता है, 1x 3x 6 और 30 पावर्स में यूज कर सकते हैं। सिम्टम्स के बेस पे आप इसको 3 से 4 घंटों में भी रिपीट कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर इसके रिलेशनशिप्स की बात करें तो इसको ड्रोसेरा से, कोरेलियम रुब्रम से और स्टिक्टा से आप कंपेयर कर सकते हैं। तीनों ही मेडिसिन कूपिंग कफ के लिए, कफ के लिए, स्पाजमोडिक कफ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब न्यूमोनिक की बात कर लेते हैं, जिससे आप इस मेडिसिन को बस एक वर्ड मेफाइटिस में ही पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं। सो मेफाइटिस जो वर्ड है वो 8 लेटर से मिलके बना, तो मैं 8 लेटर को आपको अलग अलग समझाऊंगी कि इसके मीनिंग क्या होते हैं। M फॉर म्यूकस रेज थ्रू आउट द अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, E फॉर एक्सहेलेशन डिफिकल्ट, चाइल्ड गेट्स साइनोज एंड वी मस्ट रेज द चाइल्ड सो ही कैन एक्सहेल प्रॉपरली, P फॉर पेशेंट्स वॉन्ट टू बेद इन आइस कोल्ड वाटर because they have so much internal heat that they want to bathe in ice cold water. H for hollow deep cup with pain and rawness in chest, hoarseness and pain throughout the chest in ribs. I for it should be given in lower dilutions like 1x 3x. T for talking, reading loud increases cough, causes cough. And every spell of cough is so violent that it feels like it terminate the life. I for instead of going to esophagus, food goes down the wrong way in respiratory tract for suffocative spasmodic cough. So आप इस निमोनिक के थ्रू पूरा ही मेडिसिन समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या होते हैं, किस बेस पे आप इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स हेल्थ रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड शेयर करती रहती हूँ। सो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।